या उस वेरिएबल्स में यूज़र से इनपुट लेना हमने सीख लिया और हमने यूज़र को आउटपुट दिखाना भी सीख लिया और उन दो वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना हमने सीख लिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम सीख गए। अच्छा, इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं क्या कि हर कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट दोनों ले रहा होता है? ये हम कर चुके हैं डिस्कशन। अच्छा, तो अब इससे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल तो हम देख चुके हैं, अब एक और टाइप है बूलियन वेरिएबल की, एक टाइप और है बूलियन, उसको हम देख लेते हैं। और फिर हम ये प्लस माइनस हमने देखा है मॉड्यूलस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये हम देखते हैं बूलियन के बाद। अच्छा, बूलियन वेरिएबल को बनाने का जो तरीका है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे एक वेरिएबल को बनाया जाता है, सेम उसी तरह हमने लिखा लेट, उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, इज़ ओपन वेरिएबल का कोई भी नाम, ये नाम मेरी मर्ज़ी का नाम होगा, ठीक है। मैं जो भी नाम लिखना चाहूँगा मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, स्टिल इस नाम के अंदर जो वेरिएबल के जो नेमिंग कन्वेंशन है कि क्या चीज़ लीगल है क्या चीज़ इलीगल है, जो बुक के चैप्टर नंबर 3 में गालबन डिस्कस किया गया है वो हम देख चुके हैं, लीगल और इलीगल वेरिएबल के नाम सारे। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूंगा ट्रू, ठीक है। तो मेरी मर्जी का एक नाम इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा, बूलियन वेरिएबल जो होता है इसके अंदर ट्रू या फॉल्स रखा जा सकता है, सही है, बूलियन वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स रखा जाता है। अच्छा, क्या बाद में मैं इसके अंदर अगर ये लिख दूँ इज़ ओपन इक्वल्स टू ओपन, तो क्या ये पॉसिबल है कि शुरू में ये बूलियन था लेकिन बाद में मैंने इसमें क्या रखवा दिया, स्ट्रिंग? तो जी हाँ, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉसिबल है। और अब ये जो वेरिएबल है ना, इसकी टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है, अब ये बूलियन नहीं रहा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको बाद में दूसरी डेटा टाइप उसमें रखवा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम दो डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, नंबर स्ट्रिंग, अब ये तीसरी पढ़ रहे हैं बूलियन। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें क्या होता है, आप शुरू में अगर बूलियन बना दें या शुरू में नंबर बना दें तो बाद में आप कोई दूसरी डेटा टाइप उसमें नहीं रखवा सकते, वो एरर दे देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें जो टाइपिंग है वो डायनेमिक है। जब आप डेटा रखवाते हैं तो जावास्क्रिप्ट ना उस डेटा को देखकर अपने वेरिएबल की टाइप चेंज कर देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बोर्ड में ना ज़्यादा देखना वेखना नहीं पड़ता कि टाइप है क्या है नहीं है, आप बस डेटा रखवाते हो वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम इससे प्रॉब्लम भी होती है कि आपको आप समझते हैं कि अच्छा इसमें फला चीज़ होगी लेकिन वो आगे से कुछ और निकल आती है, तो इससे एरर प्रोन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये वायरल जावास्क्रिप्ट जो वो इसी तरह काम करती है। अच्छा, तो हम ये इसको हटा देते हैं स्ट्रिंग को। अच्छा, एक और कन्वेंशन इसके अंदर है। कन्वेंशन क्या चीज़ होती है, कन्वेंशन आप लोग पता है कि अंग्रेज़ी में कन्वेंशन किस चीज़ को कहते हैं? नेमिंग कन्वेंशन, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन है, तो उस वक्त मैंने ये जिक्र किया होगा आप लोगों से मोस्ट प्रॉब्ली कि कन्वेंशन जो होती है वो दो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा यार हम इस तरह से करेंगे, तो उसको हम कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या कहते हैं, नेमिंग कन्वेंशन, जैसे हमने जिक्र किया था कि यार आप कैमल केस में लिखोगे तो रीडेबल हो जाता है, लेकिन आप कैमल केस में नहीं भी लिखोगे तो कोड बिल्कुल सही चलेगा आपको। तो इसी तरह यहाँ पे एक कन्वेंशन और है कि बूलियन वेरिएबल जो होता है उसके नाम से पहले इज़ लगा देते हैं आप, ठीक है। इज़ ओपन, कि क्या ओपन है, तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले इज़ लगा हुआ हो तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये वेरिएबल क्या है, बूलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये इज़ ना भी लगाएं
तो वेरिएबल फिर भी बन जाएगा, कोड आपका बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन जस्ट ये क्या है कन्वेंशन, कन्वीनियंस के लिए कि कल को कोई दूसरा बंदा आपका कोड जब पढ़ेगा, स्टडी करेगा, या आप खुद बाद में आके अपना कोड देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए। तो इसलिए ये डेवलपर्स के दरमियान एक कन्वेंशन सेट हुई हुई है कि बूलियन वेरिएबल के नाम से पहले इज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ट्रू रखवा दिया। अच्छा जी, इज ओपन तो एक ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल दोबारा नहीं बनेगा, उसके अंदर जो चीज़ थी वो चेंज हो जाएगी। ये वेरिएबल एक बॉक्स है, आप उसको ऐसे समझें, इस बॉक्स में अभी ट्रू रखा हुआ है और उस ट्रू की डेटा टाइप जो बूलियन है, बाद में मैं उस बॉक्स में स्ट्रिंग रखवाऊंगा ना तो ट्रू हट जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा और उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इज ओपन जो है वो एक वेरिएबल का नाम है, ये दो वेरिएबल नहीं है। अच्छा, अब इसको चेंज कैसे करते हैं, एक तो हमने बनाना सीख लिया, चेंज करने का तरीका भी हम पहले से जानते हैं, तो उसको मैं फॉल्स कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रू था पहले, उसको मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। या अगर मुझे इसको टॉगल कराना हो तो मैं क्या करता हूँ, इज ओपन इक्वल टू नॉट इज ओपन, ठीक है। तो इज ओपन में जो भी कुछ होगा ना बूलियन वेरिएबल में हमारे पास ये होता है, उसको टॉगल करवा सकते हैं कि हम नॉट लगा देते हैं साथ में, ठीक है। अब ये नॉट क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा आगे जाके ना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये नॉट क्या चीज़ होती है, लेकिन आमतौर पर बूलियन वेरिएबल को फ्लिप करवाने के लिए ये नॉट का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। तो अब मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बूलियन वेरिएबल में पढ़ाने लायक। अच्छा, इसको कॉन्सोल भी करवा सकते हैं आप, तो वो ट्रू लिखा हुआ होगा या फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी उसमें होगा इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, मेमरी में ये कितनी जगह लेगा। जावास्क्रिप्ट का जो नंबर होता है वो मेमरी में कितनी जगह लेता है, हमारी ये मेमोरी वाली डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है लाल। अच्छा, तो वो कर लेते हैं शायद। अच्छा, तो इसको हम बंद कर देते हैं। बाय द वे, हमें ये वेरिएबल वाले टाइम पे ही करना था, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए बना लेता हूँ 9। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन इसका नाम नहीं रखता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ के ठीक है, वेरिएबल्स बिहाइंड द सीन।